अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सबको वेलकम कहते हैं बेट फ्लावर स्टडी विद दादा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि दादा हमारे दरमियान नहीं रहे, मगर हमारी जो बेट फ्लावर की स्टडी है या जो बेट फ्लावर की जो सीरीज है वो हमेशा हम नाम यही रखेंगे और इसी नाम से ही रहेगा, बेट फ्लावर स्टडी विद दादा। तो हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत अजीब सी फीलिंग है मेरी अभी कि मैं मतलब इसको किस तरीके से स्टार्ट करूं, और समझ से बाहर अभी तो फिलहाल सारा कुछ। तो मैम पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने बताया कि आप हम टॉपिक को स्टार्ट करें, तो मैम ऋतु आप हैं ना अभी इधर? हाँ, मैं बिल्कुल हूँ। वो एक्चुअली वाईफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मैं कहीं और थी तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अभी ठीक है। सही है। तो मैम फिर स्टार्ट करते हैं, हम अपने आपसे स्टार्ट करते हैं, और आपका बिल्कुल बहुत बहुत थैंक्स है कि आप जो हैं वो आपके लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है और हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त है इस टाइम। और इस टाइम सेशन करना, मैंने आपको बताया कि मेरी फीलिंग्स बहुत अजीब है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट क्या करूं, इंट्रो क्या दूं, और मतलब दादा से स्टार्ट नहीं। करना सब चीजें तो मुश्किल है अभी फिलहाल ज्यादा। हाँ, एग्जैक्टली, मुश्किल है, लेकिन जैसे दादा हमेशा बोलते थे, द शो मस्ट गो जी बस फिर यही है कि यही सोच आती है कि जो है ना हमने बढ़ते जाना है, और जो उनकी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कहते भी थे कि आप लोग बोले, हम हो या ना हो आप लोगों ने ये काम करना है, और पाकिस्तान से कुछ स्पीकर्स आए बोले, तो आज ये बात उनकी ना बहुत ज्यादा फील हो रही है, बहुत ज्यादा लग रही है, ये बात महसूस हो रही है बहुत ज्यादा। और खैर उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, और नहीं, हमेशा तो हमेशा टीचर ही हमें याद रहेंगे हमारे। तो टीचर ही रहेंगे। और मैंने एक छोटा सा ऑडियो भी बनाकर भेजा है कि वो कहने को तो दुनिया से चले गए, मगर हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारी प्रैक्टिस में, हमारे क्लिनिक पर वो अभी भी जिंदा है, और अल्लाह पाक उनको दर्जात को बुलंद रखे। तो मैम फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, बेट फ्लावर की जो मेडिसिन है व्हाइट चेस्टनट है। तो मैडम आपसे स्टार्ट करते हैं ना फिर पहले। जी मैम मैं स्टार्ट करूं या फिर आप स्टार्ट कर रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। आप आप स्टार्ट कीजिए नोरिन जी। चलें जी, परमिशन है ना आपकी, मैं तो दादा से हमेशा इजाजत लेकर स्टार्ट करती थी। नहीं, वो दादा की पर नहीं, वो दादा की ही परमिशन तक रहने देंगे। अब नेक्स्ट टाइम से आप ही स्टार्ट कीजिएगा। करिए। चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा, बेट फ्लावर मेडिसन जो है उसको अगर हम की वर्ड देखें या उसकी की सिम्टम्स हम देखते हैं, जो मैंने जिस तरीके से इसको याद किया है वो ये है कि कोई भी चीज जो के आपको रिपीटिशन हो किसी भी चीज की, चाहे वो आपकी थॉट्स हो या कोई आपकी सिम्टम्स हो या कोई बीमारी हो या कोई भी चीज ऐसी जो बार बार रिपीट हो रही हो। जैसे बास पेशेंट्स हमारे पास आते ही हैं, वो ये बताते हैं कि एक ही तरह की सोच है जो हमें बार बार रिपीट हो रही है, वो हमारी वो सोच या वो बात हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। या बास पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो ये कहते हैं कि ये बीमारी हुई थी, कुछ अरसे के बाद फिर हो गई, कुछ अरसे के बाद फिर हो गई। तो यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो जिसका बार बार होना, तो ये उसको उसके जो ये जो लिंक है बार बार होने वाला, ये उसको ब्रेक करता है। तो मतलब इतना ही है अभी, तो मेरी तरफ से ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी मेरे ख्याल से। फिर हम लोग जो हैं वो अपने गेस्ट स्पीकर की तरफ चलते हैं। हम चलते हैं पहले मैम सपना की तरफ, जो कि एक बेज फ्लावर प्रैक्टिशनर हैं और इंडिया से बिलोंग करती हैं। तो मैम वेलकम कहते हैं आपको बेज फ्लावर स्टडी विद दादा जूम मीटिंग में। तो मैम इट्स ओवर टू यू। मैम सपना, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। थैंक यू रितु मैम, थैंक यू। दादा को बहुत मिस कर रहे हैं सच में। मतलब लास्ट सेशन जो मेरा हुआ था उनके साथ, आई कांट फॉरगेट। उनकी उनका ये सेशंस देख के तो मैं ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ।
और एट प्रेजेंट हम सबकी सिचुएशन देखेंगे तो व्हाइट चेस्टनट वाली है। ठीक हकीकत में बोला ना, क्योंकि वही थॉट आ रहा है दिमाग में कि तन मन से उनको याद कर रहे हैं दोनों, मतलब बहुत वही थॉट आ रही है कि उनको मिस कर रहे हैं। तो ये सब व्हाइट चेस्टनट का ये एक बहुत अच्छा फायदा होता है कि हम पास में कभी रहते हैं या आज में इंटरेस्टेड नहीं है, वो याद ला रहे हैं, रिकरिंग थॉट आ रहे हैं जब भी, तो व्हाइट चेस्टनट उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। किसी को काफी टाइम से स्टमक एक है या फ्रीक्वेंट कफ कोल्ड हो रहा है, जो जो चीज रिपीट होती है उसमें ये व्हाइट चेस्टनट बैचलर रेमेडी बहुत बढ़िया काम करती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है लेडीज को, जैसे थोड़ी बड़ी एज हो जाती है उसमें भी उनको बहुत फायदा होता है, ये यूरिनेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है उसमें भी। और सबसे पुरानी कोई चीज दिमाग में बैठ गई या किसी ने आपकी इंसल्ट की है या कुछ ब्रेकअप होने के बाद भी, ये व्हाइट चेस्टनट उसमें बहुत काम डाउन करता है हमारे दिमाग को। और रिपोर्ट में भी अगर कुछ नहीं दिखा रहा है, कभी कभी पता नहीं होता है रीजन क्या है, बहुत लोग होते हैं सेल्फ टॉक चलता रहता है बीच बीच में, अपने आप से बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, उनके लिए भी व्हाइट चेस्टनट बहुत बढ़िया काम करता है। और हमारे पूरा माइंड बॉडी और सोल को एक पैटर्न ब्रेक करता है, जो रिपीट रिपीट चीजें चलती रहती है, जैसे किसी को पेन है वो याद करते रहता है, लेकिन अगर हम लोग व्हाइट चेस्टनट लेंगे तो थोड़ा वो रिलीज करेगा चीजें। माइग्रेन के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है। और अगर आपके सपोज क्लाइंट्स, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली है आपसे, नहीं आ रहे कभी लेकर अपॉइंटमेंट, उसमें भी व्हाइट चेस्टनट बहुत बढ़िया काम करता है। और ये अपना ये चाइल्ड अब्यूज, जब बच्चों को कभी ऐसा कुछ हो जाता है, कोई स्कूल में ह्यूमिलेट किया बच्चों ने, बुली किया, याद करते रहते हैं बच्चे वही वही चीज, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक यूज है, इंसोम्निया के लिए बेस्ट है, सोने की, जिनको भी सोने की प्रॉब्लम है, ये चीजें याद आती रहती हैं उसकी वजह से अगर वो सो नहीं पाते हैं, तो ये व्हाइट चेस्टनट कॉम्बिनेशन में देने से बहुत अच्छा काम करता है। अगर दिमाग में कुछ फाइट हुआ है घर में, किसी के साथ अर्ग्यूमेंट हुआ है, वो भी बातें अगर चलती रहती है, इसमें भी बहुत इजीली ये काम करता है। कभी एग्जाम में बच्चों को सडन ब्लैक आउट हो जाता है, एकदम सुन्न हो जाते हैं, पूरा पढ़ाई करके गए फिर भी, मतलब वो अगर व्हाइट चेस्टनट लेते हैं तो उनका ये चीजें निकल जाएगी। अगर आपके आस पड़ोस में टीवी चल रही है, आप चाहते हैं कि मुझे उससे डिस्टर्ब ना हो, आपको शांत रखेगा, टीवी चलने देगा लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, आपके दिमाग को शांत रखेगा, ऐसे ये इतनी बढ़िया रेमेडी है। और हम लोगों को ना, कोई कोई लेडीज हैं जिनको से 45 to 60 days के लिए मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत हेल्प करता है। तो काफी, मतलब मैंने भी काफी पेशेंट्स को दिया है, और किसको स्टूल पास नहीं होता 3 4 days के लिए, उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो व्हाइट चेस्टनट एक बहुत बढ़िया रेमेडी है बैच फ्लावर की। मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच। वेल स्पोकन, वेल स्पोकन, दैट्स वेरी नाइस। माशाल्लाह बहुत अच्छा डिफाइन किया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे जो तो दूसरे गेस्ट स्पीकर हैं हमारे साथ पारुल टंडन, ये भी बेज फ्लावर प्रैक्टिशनर हैं और इंडिया से बिलोंग करती हैं। मैडम वेलकम कहते हैं आपको, बेज फ्लावर स्टडी विद दादा। तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और व्हाइट चेस्टनट के बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार मैम, पहले तो मैं ट्रिब्यूट देना चाहूंगी दादा को जिन्होंने इस ग्रुप की शुरुआत की, और हम सब लोगों को एक ऐसी चीज से इंट्रोड्यूस किया जो हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंसान बाकी सब चीजों के लिए तो उसको कहीं ना कहीं से कोई डॉक्टर मिल जाता है अगर पेन है, लेकिन ये दिल का दर्द जो होता है ना, यही होता है जो कोई नहीं समझ पाता। अभी जैसे सपना मैम ने भी कहा कि आज हम सब व्हाइट चेस्टनट है, क्यों? क्योंकि दादा के साथ, दादा के बिना ये पहला हम लोगों का सेशन है। आज इतना खालीपन लग रहा है उनके बिना, ऐसा लगता है जिस दिन भी वो गए पूरी रात हम उन्हीं के बारे में बार बार, उनकी बातें, उनकी जो कहा करते थे वो सब हमारे दिमाग में चलता ही रहा। और ऐसे इंसिडेंसेस मुझे लगता है हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। तो व्हाइट चेस्टनट एक ऐसी हमारी बैच लवर रेमेडी है जो हमारी वरी वरी वाले इमोशन के लिए यूज की जाती है।
ये एक थॉट पैटर्न को, जो जहां पे भी जो चीज हम एक तरह से, जहां रिपीटेशन है या जहां कॉन्टिन्यूएशन है, वहां व्हाइट चेस्टनट है। व्हाइट चेस्टनट का मतलब कि अब रात हो गई है, दिन तो निकल गया किसी तरीके, आपको कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई वही पुरानी बातें हमारी सोच में आने लगी हैं और अब नींद ही नहीं आ रही है। अब क्या करें, पूरी रात बीतती जा रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो उठिए आप, थोड़ा सा व्हाइट चेस्टनट के कुछ ड्रॉप्स अपने पानी में लीजिए, तो आपको थोड़ा सा माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा। आपकी वो जो एक पैटर्न, आपका थॉट जो चल पड़ा है, किसी की याद है या वो कोई एक वरी है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, फाइनेंस को लेकर या किसी भी चीज को, जो वरी आपके माइंड में कॉन्टिन्यूशन में चल रही है, उसको ब्रेक करने के लिए, उस पैटर्न को तोड़ने के लिए, ऑल्दो हम इसके साथ वॉलनट भी देते हैं, लेकिन उस समय उस एक पैटर्न को लगातार जो लूप के साथ थॉट चल रहे हैं हमारे, उनको तोड़ने के लिए व्हाइट चेस्टनट एक बहुत अच्छी रेमेडी है। तो इसको स्लीप के लिए यूजली यूज किया जाता है, या जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सीजन के साथ मेरी प्रॉब्लम या मेरी एलर्जी वापस आ जाती है, इसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ व्हाइट चेस्टनट भी देते हैं, जिससे उनके इस बीमारी में उनको रिपीटेटिव चीजें नहीं हो उनके साथ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे उनके दिमाग में अब एक चीज, किसी ने कुछ बोल दिया उनको, या पीछे कहीं कोई लड़ाई हो गई है, अब वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन अब उनका दिमाग तो उसी लड़ाई में ही अटक गया, अब उनको आसपास की स्थिति का भान ही नहीं हो रहा, वो अपनी धुन में चले ही जा रहे हैं, पीछे से हॉर्न बज रहा है, पीछे कोई उनको कुछ कह रहा है, लेकिन वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, उनके माइंड में वही चीज टेप रिकॉर्डर की तरह बजती ही जा रही है कि तुमने ऐसा कह दिया, तुमने ऐसा कह दिया, वही थॉट चलती जा रही है। तो ऐसे में एक डोज व्हाइट चेस्टनट की उनको हेल्प करती है उस एक पैटर्न से, उस लूप से बाहर आने के लिए। बाकी जैसा और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जहाँ पे हम व्हाइट चेस्टनेस देते हैं, जैसे कि स्पेशली रात को कभी कभी खांसी छिड़ जाती है, और अब वो खांसी लगातार होती चली जा रही है, और उसमें भी आपको ऑब्वियसली अगेन नींद डिस्टर्ब हो रही है आपकी और आपको नहीं रुक रही है, या कोल्ड में भी बाकी रेमेडीज के साथ साथ व्हाइट चेस्टनेस देने से कॉन्टिन्यूस कोल्ड में या रनिंग नोज में, इन सब चीजों में आपको आराम मिलता है। इसके अलावा हम इसको एक तरीके से पीस की मेडिसिन भी बोलते हैं, ताकि आप जैसे आप मेडिटेशन के लिए भी लोग बैठते हैं तो उनको लगता है कि जैसे मैं मेडिटेशन के लिए बैठा मेरे दिमाग में विचारों का प्रवाह चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ थॉट आते रहते हैं। तो एक डोज ऑफ व्हाइट चेस्टनट बिफोर सिटिंग फॉर मेडिटेशन वुड हेल्प यू डेफिनेटली टू सिट मोर प्रोलॉन्ग एंड मोर पीसफुल मैनर, सो यू कैन ट्राई दैट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस पवन, थैंक यू सो मच मैम। यस मैम बस अब आपकी तरफ, हमारे सारी तोपों का रुख आपकी तरफ हो गया। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू दादा। द लास्ट हमारी क्लास चली थी, सो उस दिन उनको बुखार था, तो रात की क्लास में उस दिन सिर्फ मैं थी और आई गेस रेशमा थी या मानसी थी, मुझे ध्यान नहीं है। सो वो बोले थे कि आज मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो आज हम जल्दी क्लास बंद करेंगे, तो मेरे हाथ से ताली बज गई, क्योंकि घर गृहस्थी में कई बार ऐसा होता है ना कि आपको टाइम नहीं मिल पाता है, आप बिजी होते हैं, तो मैं थोड़ा उन दिनों में बिजी चल रही थी तो मैं खुश हो गई। तो दादा बोले मेरे को तो पता था ये सबसे पहले खुश होगी जैसे ही मैं बोलूंगा कि आज मैं कम पढ़ाऊंगा, पर इसको ये नहीं पता है कि मैं आज कम क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा तो आप कम क्यों पढ़ा रहे हैं, मैंने फिर पूछ लिया, तो बोले कि इसको पता भी नहीं चल रहा है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा हाँ नहीं पता चल रहा है क्योंकि आप छुपाने में माहिर हैं, आप आधा टाइम तो आपकी पता ही नहीं चलता है कि आप बीमार हैं, और मैं क्यों सोचूंगी आप बीमार हैं, मैं गलत मैं नेगेटिव सोचती नहीं हूँ। तो बोले कि सबसे ज्यादा खुश तुम होगी जब मैं जाऊंगा तब। तो मैंने कहा कि वो बात की बाद में देखेंगे, पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, मेरे को फटाफट अभी है ना जाना है, बाहर जाना है। सो सबसे ज्यादा डांट मैं खाती थी, और ऑफकोर्स प्यार भी वो मुझे सबसे ज्यादा करते थे, बट अब वो डांट भी बंद हो गई, क्लास भी बंद हो गई। सो फॉर मी इट्स अ बिग वैक्यूम, बट यस ऑफकोर्स आई एम ट्राइंग टू कम बैक। एंड भाई चेस ने, जैसे मेरी आदत थी कि मैं उनसे बोलती थी कि चलिए नाम रखिए, रेमेडी का नाम रखते हैं, तो रेमेडी का नाम रखा था उन्होंने ओल्ड ग्रामाफोन रिकॉर्ड की तरह बजता रहता है, यू नो इट कीप्स ऑन गोइंग इन आवर माइंड, वॉन्डरिंग, बिजी माइंड होता है, जो माइंड कभी भी शांत नहीं रहता है, इट्स नेवर इन पीस, यूजलेस स्ट्रेस होता है इंसान को, यूजलेस अनवांटेड थॉट्स होते हैं, इट्स जस्ट लाइक एन ओल्ड ग्रामाफोन रिकॉर्ड जो एक जगह अटक जाता है तो सुई वो चलता रहता है, चलता रहता है। सो सेम वे द माइंड कीप्स ऑन गोइंग, कीप्स ऑन गोइंग।
फिर मैंने कहा अगर ऐसा है तो हम इसका नाम रखते हैं ब्रीथ डीप सीक पीस, बट यस ऑफ कोर्स दीज बोथ नेम वर हिज, एंड मैंने व्हाइट चेस्टनट के आगे लिखा है एकोनाइट. वो बोलते थे कि इसकी होम्योपैथी रेमेडी है एकोनाइट, तो इट वाज ऑलवेज लाइक आई एम एक्चुअली इन व्हाइट चेस्टनट मोड फ्रॉम सो मेनी डेज. माय माइंड इज फेलिंग टू गेट रिड ऑफ ऑल दोज अनवांटेड थॉट्स कंटिन्यूअस. घर में भी अक्सर ये होता है कि कोई कुछ और बोल रहा है, मेरा माइंड प्री ऑक्यूपाइड है, क्योंकि वो बर्डन इतना हो गया है अब उस चीज का. अभी तक तो कैसा होता है, घर में कोई आपके घर में बड़ा होता है ना, तो वो बर्डन सारा उस इंसान के ऊपर होता है. तो अब वो बर्डन एक्चुअली वो ट्रांसफर होके जो मुझ पे आया है, तो मुझे वो चीज लेनी नहीं आ पा रही है. सो आई एम इन अटेंटिव, डेफिनेटली मेंटल ट्रैंक्विल इज अनफोकस्ड. सो दीज आर ऑल व्हाइट चेस्टनट थिंग्स. व्हेन इट इग्नाइट्स योर वन सेकेंड, इट इग्नाइट्स योर फ्रस्ट्रेशन, इट इग्नाइट्स योर मिजरेबल इंटरमेंटल टर्मोइल. सो द एसेंस हेल्प्स यू इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. जैसे सबने बताया कि यस ऑफकोर्स जब स्लीपलेसनेस आती है तब बहुत जरूरी होता है व्हाइट चेस्टनट लेना, बट इट वर्क्स मच बेटर इफ यू आर टेकिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ होम्योपैथी रेमेडीज. सो व्हाइट चेस्टनट उसके साथ मिलाएंगे तो इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स. द पीपल हु आर इजीली रेस्टलेस एंड नर्वस, यू नो, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी नेसेसरी रीजन, और एक फियर होता है जो रिपीटेडली अगर आपके दिमाग में चलता जा रहा है, अननेसेसरी फियर होता है कई बार जो रिपीटेडली दिमाग में चलता जा रहा है, उसके लिए व्हाइट चेस्टनट बहुत अच्छी है. दैट्स वाई इट वॉज द मेन रेमेडी इन दादाज ओन कॉम्बिनेशन A1, राइट. मुझे अच्छे से याद है माई ब्रदर वेन ही वॉज स्मॉल. अब मुझे समझ में आता है कि क्यों दादा बोलते थे. लाइक कई बार बच्चों के मुंह में सुबह सुबह कोई गाना चल रहा होता तो कैसे वो गाना मुंह में चढ़ जाता है ना, फिर आप पूरा दिन वो गाना रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं. सो इट इज लाइक एन ओल्ड ग्रामाफोन रिकॉर्ड. सो यू गिव फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, एंड इट इज ट्रायल एंड टेस्टेड. दादा, मुझे एक बार याद है दादा के पास एक पेशेंट आया था, ऑनलाइन पेशेंट था, हम यहाँ पे थे, वो बैठा था कंटिन्यूस एक ही चीज बोले जा रहा था, और हाथ से फिजिटी हो रहा था, रेस्टलेस हो रहा था. तो दादा ने, मैंने देखा उन्होंने A1 निकाली, A1 उन्होंने वापस रख दी. मुझे सिर्फ व्हाइट चेस्टनट की शीशी दिखाई और 7 to 8 ड्रॉप्स उन्होंने एक ग्लास में डाला और उसको दिया और बोला कि उधर जाके बैठ जाओ, मैं 5 मिनट जरा जाके आता हूँ और फिर मैं, अब फिर अपन बात करते हैं. तो पेशेंट उस वक्त तो बहुत एजिटेट हुआ, बहुत इरिटेट हुआ कि मैं इनको दिखाने आया हूँ और मैं इतना थका हूँ और ये मेरे को बिठा के चले गए. वो 5 मिनट उधर बिठा के चले गए और मेरी तरफ अपना फोन घुमा के और वो निकल गए. तो मैंने उनसे इशारे से पूछना चाहा कि कहाँ जा रहे हैं, बट वो निकल गए और फोन उस पेशेंट की तरफ मुंह करके निकल के चले गए. 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वो पेशेंट एकदम शांत हुआ, लेकिन शायद मैंने वो नोट करी थी 12 या 13 मिनट हुए दादा अपने आप आए. फिर उसको बुलाया और फिर उससे पूछा तो वो एकदम शांत था. तो बोले कि नहीं मैं ठीक हूँ, अभी मैं आपके पास अभी कल आऊंगा, आपने जो भी दवाई दी वो मुझे आप वापस कल दे देना. सो दिस वॉज, यू नो, दिस वॉज इट वॉज लाइक अ मैजिक. कई बार क्या होता था, वो बस शीशी पे हाथ लगाते थे और देते थे और बिठा देते थे और 5-10 मिनट के लिए गायब हो जाते. तो लिटरली हमको पता नहीं होता था इतनी लाइन ऑफ पेशेंट्स है कि वो गायब कहाँ हो रहे हैं 5-10 मिनट के लिए, और फिर वो 5-10 मिनट बाद वापस आते थे. जैसे उनको पता ही चल जाता था कि ये इंसान है ना अब बेटर हो गया, अब ये इरिटेट नहीं होगा, ये एजिटेट नहीं होगा. सो दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ हिज नॉट टेकिंग ओनली केस हिस्ट्री, ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ पेशेंट जस्ट बाय लुकिंग एट द पेशेंट. वो पेशेंट को सेंस करते थे, सिर्फ उसको देखते थे, उसका मन भाप लेते थे, उसका चेहरा भाप लेते थे, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था उसका फिजिकल सिम्टम क्या है. तो वो फिजिकल सिम्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, लेट्स फोकस ऑन द मेंटल सिम्टम या अभी उसको क्या चाहिए. सो स्पेशली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर सेल्फ टॉकिंग वाइल ड्राइविंग. आप कभी नोट कीजिएगा, कई लोग आपको दिखेंगे ऐसे जो सेल्फ ड्राइव करते हैं ना, साथ साथ में अपने आप से बोलते रहते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी, क्योंकि वो रिपीटेडली अपने दिमाग में वो सारी चीजें बोलते हैं जो वो ऑफिस में करके आए हैं, या उनको ऑफिस जाना है तो उनको ऑफिस में क्या बोलना है. सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड, दैट इज नोन एज सेल्फ टॉकिंग.
या फिर वो पेशेंट्स जो ऑब्सेसिव होते हैं कोई चीज के लिए. सो इवन दिस इज काइंड ऑफ एन ऑब्सेशन. द एक्साइटमेंट कैन बी सॉर्ट ऑफ एन ऑब्सेशन. द फॉरगेटफुल कैन बी सॉर्ट ऑफ एन ऑब्सेशन. आप फॉरगेटफुल क्यों होते हैं? क्योंकि आप प्री ऑक्यूपाइड होते हैं किसी और काम की तरफ. अदरवाइज कई बार आपको लगता है ना, कई बार लेडीज आके बोलती है मैं अब भूलने लगी हूँ, फ्रिज खोल के खड़ी हो जाती हूँ कि मुझे फ्रिज में से क्या निकालना है मुझे याद नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू अंडरस्टैंड कि वो चेकअप कराना होता है, एक प्री स्टेज आ रही है मेनोपॉज की, थायराइड चेकअप कराइए या जो भी चेकअप कराइए, विच इज अ मेन सिम्टम ऑफ फॉरगेटफुलनेस. बट दैट इज नॉट फॉरगेटफुलनेस, दैट इज यू आर प्री ऑक्यूपाइड. एंड वाई यू आर प्री ऑक्यूपाइड? क्योंकि आप प्रेजेंट हो उधर फ्रिज खोलने में, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है. द थॉट्स आर समवेयर एल्स. यू आर थिंकिंग अबाउट कि मेरे को इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है. तो आप प्री ऑक्यूपाइड थे, इधर आप फ्रिज खोल के खड़े हो गए. सो दैट इज नॉट फॉरगेटफुलनेस. सो वी हैव टू वर्क ऑन इट. दादा ऑलवेज सेज, आई यूज टू ऑलवेज से कि इट इज इन योर हैंड टू अंडरस्टैंड. 24 घंटे कम नहीं होते हैं, लेकिन काम हमने इतने फैला लिए हैं, हमने इतना क्लटर कर लिया अपनी लाइफ, तो वो व्हाइट चेस्टनट एक लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट चीज हो गई है. सो व्हाइट चेस्टनट ऑफकोर्स इट विल हेल्प यू, बट सारी जिंदगी व्हाइट चेस्टनट नहीं लेना. मेन काम ये होना चाहिए कि व्हाइट चेस्टनट हमारी जिंदगी से वापस कैसे जाए, सो दैट वी कैन बिकम व्हाइट चेस्टनट इन आवर सेल्फ. एंड यस ऑफकोर्स इट इज वेरी वेरी गुड रेमेडी. मैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए अपनी बेटी को ये देती थी, चेस्टनट बट के साथ व्हाइट चेस्टनट, क्योंकि एक फोकस नहीं होता है. जब प्री ऑक्यूपाइड माइंड होता है तो बच्चा फोकस नहीं कर पाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है. एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी हेल्पफुल इन एनिमल्स आल्सो, स्पेशली व्हेन एनिमल्स आर, पता है वो एक मोर्निंग होती है, क्राइंग होती है, विम्पर करता है, आपको उसकी बॉडी स्टूप्ड अप लगती है, तो वो एनिमल भी परेशान हो रहा है कहीं ना कहीं, वो रिपीटेडली कुछ ना कुछ चल रहा है जो कि हमें कभी नहीं समझ में आता है. सो एवन इज एब्सोल्युटली अ वंडरफुल फॉर एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स. मुझे एक बहुत अच्छी सी चीज थी, मैंने कहीं लिखी हुई थी, जाते सब हम वापस पढ़ने लगे थे. नोरीन याद है, एक बार हमने वापस स्टार्ट किया था पढ़ना एग्रीमनी से, तब उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज लिखाई थी मुझे. यस, इट इज वेरी हेल्पफुल इन पीटीएसडी फॉर वेमेन. आई विल टेक दिस सेशन इन अ लॉन्गर फॉर्म वेन वी आर डूइंग फीमेल. जब हम ग्रुप लेंगे, मैं और सोनल मैम ग्रुप लेने वाले हैं, पीटीएसडी में इट्स अ फुल बिग पेज व्हाई व्हाइट चेस्टनट इज वेरी हेल्पफुल इन पीटीएसडी. पीटीएसडी होता क्या एंड व्हाइट इज वेरी हेल्पफुल. सो इन सेंस इन कफिंग या हेडेक होता है, या बोलते हैं ना फ्लटरिंग ऑफ आई लैशेज होती है, जब हम बोलते हैं ना कि 24 घंटे आई लैश फ्लटर कर रही है, मेरी बाएं आंख फड़फड़ा रही है, कई बार लोग बोलते हैं कंटिन्यूस हिकअप्स आते हैं, लगातार योनिंग होती है, तो ये रिपीटेड चीजें हैं. दीज आर रिपीटेड थिंग्स योर माइंड इज डूइंग सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली. सो इट इज वेरी हेल्पफुल इवन वाइल यू आर योनिंग. एक बार बोलते ना, एक बार उबासी चालू हो जाती है तो कंटिन्यूस हो जाती है, एक बार हिकअप चालू होती है तो वो कंटिन्यूस रहती है. बिल्कुल तो हाँ, बाएं आंख फड़क रही है मेरी, या हमारे स्टमक डिसऑर्डर हो जाते हैं. स्टमक डिसऑर्डर होता है बिकॉज वी आर इन स्ट्रेस, वी आर ऑलवेज इन थिंकिंग मोड, या कंटिन्यूस कुछ कुछ चलता है. तो सबसे पहले कुछ लोगों का स्टमक डिसऑर्डर होता है. सो इनडायरेक्टली जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपके रिपीटेड थॉट्स कम होंगे, तो वो जो रिपीटेड थॉट्स आपके जो भी एक ड्रॉबैक है फिजिकल बॉडी में उस पे अटैक करता है, तो उसको वापस लेकर भी आता है. जैसे कि बोला फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी मेनोपॉज के टाइम पे. इफ आई हैड टू ट्रेवल, मेरे को एंग्जाइटी लेवल बढ़ने लग गया था मेनोपॉज के टाइम पे, कि मेरे से यूरिन कंट्रोल नहीं होता था. सो एवन वाज ओनली मेडिसिन, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में मेरे को बर्निंग होने लगी थी. तब दादा ने बोला था, हम वो मैं उनके लिए सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंट की वो थी, वो सारी दवाइयां मुझ पे एक्सपेरिमेंट ही करते थे. फिर मुझे बोलते थे कि मैं नहीं चाहता इस वक्त तुम कोई भी होम्योपैथी लो, मुझे सिर्फ व्हाइट चेस्टनट लेके बताओ क्या फर्क लगता है. मैंने कहा तो मैं एक एक दिन पूरा भुगतू आपकी वजह से कि मैं सिर्फ व्हाइट चेस्टनट हूँ, आप मुझे दवाई नहीं दोगे? तो बोलते नहीं, मैं दवाई नहीं दूंगा, सिर्फ व्हाइट चेस्टनट लो और मुझे रिजल्ट बताओ कि क्या फील हो रहा है. ट्रस्ट मी, मुझे यहाँ से बैंगलोर ट्रेवल करना होता है तो मैं कई बार लालच करती थी कि मैं A1 ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे डेफिनेटली यूरिन प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज आई वुड नॉट ड्रिंक वाटर कि मुझे कहीं यूरिन नहीं जाना है. सो दिस प्रॉब्लम मेनी फीमेल विल फेस ड्यूरिंग मेनोपॉज.
सो अगर अगर आप सिर्फ व्हाइट चेस्टनट लेते हैं या इवन अगर आपके पास A1 है और अगर कोई होम्योपैथी नहीं लेते, बिकॉज दिस इज, ये सिर्फ माइंड का खेल है पूरा और पूरा, सही क्योंकि उस वक्त आपको स्ट्रेस रहता है, उस वक्त आपको स्ट्रेस रहता है कि मैं अच्छे से पहुंच जाऊंगी, मैं अकेले ट्रेवल कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है मेनोपॉज के टाइम पे। तो मेरा लो हो गया था कि मैं अकेले पहुंच पाऊंगी, लेट हो गया तो, और मेरे को अकेले टैक्सी में जाना है, टैक्सी वाला ठीक होगा या नहीं। सो सी रिपीटेड थॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, वो इफेक्ट करता था सीधे की सीधे जो मेरा बॉडी ड्रॉबैक है। मेरा बॉडी ड्रॉबैक है वॉमिटिंग एंड यूरिन में प्रॉब्लम आना, तो सबसे पहले वो अटैक होता था इमीजिएटली। व्हाइट चेस्टनट 4-4 ड्रॉप्स 15 मिनट्स के अंतराल पे 5-6 बार लीजिए, इमीजिएटली ठीक हो जाता है। सो यू यू हैव टू एक्सपेरिमेंट रेमेडीज ऑन योर सेल्फ, अंडरस्टैंड कि एक चीज क्या चल रही है आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर। माइंड के अंदर ओवरलैपिंग थॉट्स आएंगे, लेकिन एक मेजर थॉट क्या है जो आपके अंदर चल रहा है, उसको कीवर्ड बना के अटैच कीजिए रेमेडी के साथ, और फिर वो एक सिंगुलर रेमेडी लेके देखिए। कंट्रोल नहीं हो रहा है तो चेरी प्लम लीजिए, बट सिर्फ ये एक सिंगल रेमेडी या ये दो रेमेडी लेके देखिए, देर विल बी अ मैसिव चेंज इन योर सिंगल थॉट प्रोसेस विच इज ओवरलैपिंग द अदर थॉट प्रोसेस, बट वो सिंगुलर थॉट प्रोसेस कटेगा तो इफेक्ट होगा आपकी बॉडी पे। आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, कुछ रह गया हो तो मीन वाइल आप लोग कुछ बोलते रहिए, कुछ रह गया होगा तो मैं देखती हूँ। वैसे तो मैम आपने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जो रह गया था वो सब डिफाइन कर दिया, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा व्हाइट चेस्टनट और रेस्क्यू और ये ऑलिव वगैरह बहुत है, मगर व्हाइट चेस्टनट मेरे पास बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। और मैं ऐसे पेशेंट्स को जो हमें बार बार ये कंप्लेन कर रहे हो कि सुकून नहीं है किसी भी तरफ, नींद आती है मगर थॉट्स पूरी रात हमारे ऐसा लगता है कि बॉडी सो गई है, दिमाग सो नहीं रहा, कोई भी बात उनके दिमाग में चलती रहती है। और ये सिम्टम्स मुझे हर दूसरे तीसरे पेशेंट के अंदर लाजमी नजर आती है, क्योंकि इस टाइम जो हमारी इकोनॉमी का पाकिस्तान के अंदर भी हाल ऐसा है कि ना चाहते हुए भी जो है ना हर बंदा डिस्टर्ब है। तो ये जो रिपीटिशन वाली बात है ना, रिपीटेटिव वाली, ये की वर्ड, मतलब मुझे बस दादा का यही एक याद रह गया कि ये आपकी थॉट्स में आए, आपकी सिम्टम्स में आए, आपकी किसी डिजीज में आए, तो वहां आपने ये देना है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स व्हाइट चेस्टनट के मिले हैं, और बहुत तेज रिजल्ट्स मिले हैं। यानी कि मुझे इसमें रिजल्ट्स के लिए इतना वेट नहीं करना पड़ा कि मैं सोचूं कि हाँ कि रिजल्ट कब आएगा, पेशेंट मुझे कब फीडबैक देगा इसके बारे में। तो अगर मैं तो फिर उनकी रिसर्च एनिमल थी, मैं तो बोलती थी, मैंने कहा मैं आपकी रिसर्च एनिमल हूँ, जो भी रेमेडी है जो भी मेडिसिन आपको ट्राई करनी है मेरे पर ही ट्राई करते थे वो, बट इवेंचुअली दे हैव अ वेरी गुड रिजल्ट, आइदर यू यूज इट सिंगुलरली, लेकिन सिंगुलर BFR रेमेडी तक पहुंचने में थोड़ा टाइम अभी सबको लगेगा, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग एट द सिंगुलर इमोशन दैट इज ओवरलैपिंग द अदर ओल्ड इमोशंस, अभी हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, तो वहां तक पहुंचने में इसीलिए हम लोग कॉम्बिनेशंस में जाते हैं, विच इज ऑफ कोर्स वेरी गुड, क्योंकि हमारी लाइफ में एक इमोशन नहीं है, बचपन से लेकर अब तक 38 रेमेडीज चाहे तो हम ले सकते हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट लाइक दादा, लाइक एन अनियन पील, सो दैट विल टेक टाइम, बट वी कैन ऑलवेज स्टिल लर्न विद ईच फ्रॉम ईच अदर, दैट्स ऑल फ्रॉम माई इंशाल्लाह साइड। इंशाल्लाह ताला। अगर व्हाइट चेस्टनट से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ बताना चाहता है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर कर, हमारे पास अभी 5 मिनट्स हैं। अगर कोई इस मेडिसिन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, शेयर करना चाह रहा है, तो वो अपने आप को अनम्यूट कर कर हमसे जरूर शेयर हाँ कर। मैं लेती हूँ फरीदा, सब अधूरा है दादा के बगैर, यस फरीदा यू आर राइट, वो तो बहुत अधूरा है, उनका बिल्कुल बिल्कुल वो अपने आप में एक पूरी, मैं तो ये समझती हूँ कि वो हम कहते हैं ना कि किसी कोई अपने आप में एक किताब है, मैं तो समझती हूँ वो अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी है। वो उनके अंदर इतना इल्म, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी था हमारा। हेमा जी पूछ रही है मैम कैन वी गिव द सेम रेमेडी विच वी यूज टू टेक टू एनिमल्स, यस ऑफ कोर्स जी बिल्कुल, आप पौधों में एनिमल्स में जो हम हमारे सिम्टम्स हम बोल सकते हैं, एनिमल्स बोल नहीं पाते तो आपको उनका बिहेवियर पैटर्न देखना पड़ेगा, आप उनको देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, बॉडी स्ट्रक्चर
ट्यूब है, या दोनों टांगों के बीच में उनकी पूंछ है, या वो एकदम लेथार्जिक पड़े हुए हैं, या मून कर रहे हैं, या जोर जोर से रो रहे हैं, आपको वो सब चीज समझनी पड़ेगी आपके पेट के अंदर या एनिमल्स के अंदर, क्योंकि वो लोग बेजुबान होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। बाकी 38 की 38 रेमेडीज कुछ भी हो आप दे सकते हैं। इनफैक्ट दादा के काफी कॉम्बिनेशन से या होम्योपैथी से मैंने सड़कों पे जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं उनको काफी हद तक हम लोगों ने बचाया है एज अ ग्रुप ऑल्सो। सो वट एवर यू आर यूजिंग ऑन योर सेल्फ यू कैन यूज इट ऑन एनी लिविंग बींग, ट्रस्ट मी। ये कि श्याम साहब का मैसेज है, मैं क्या अगर कोई हाँ बीमारी बार बार वक्फे से हो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि कोई भी बीमारी बार बार आ रही है, हमारी मेडिसिन से वो ठीक भी हो जाती है, मगर पेशेंट अगर कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम दोबारा आ गई है, बीमारी दोबारा आ गई है, जैसे इंटरमिडिएट फीवर हो गया या कफ के आ जाते हैं, सीजनल आपको आते हैं। मैम ऐसा भी है ना कि जैसे इस सीजन के अंदर मुझे नजला हुआ, दोबारा सर्दी आई मुझे दोबारा नजला हुआ, तो ये बार बार होना बीमारी का हम यहाँ पर व्हाइट चेस्ट नेट दे सकते हैं। और इसके साथ वॉलनेट, दादा ने बताया था कि बोलिंग ब्रेक कर दी है, तो वॉलनेट का इसके साथ हाँ कॉम्बिनेशन बिल्कुल, जो भी बहुत सीजनल जबरदस्त। होता है, हाँ जो भी सीजनल होता है उसके साथ आप ये दीजिए ना वॉलनट, क्योंकि इट्स अ चेंज, इट्स अ ट्रांजिशनल चेंज। सो जी मैम, वॉलनट कोई भी ट्रांजिशन चेंज होगा हमारी लाइफ में उसमें वॉलनट, इसीलिए वो हमेशा बोलते थे A1 और J1 हमेशा अपने पर्स में रखा करो। मैं राजकोट जाती थी तो आते से ही मुझसे पूछते थे गाड़ी में A1 J1 है या नहीं है, मैंने कहा है, क्योंकि जाते वक्त नहीं है तो मैं दे देता हूँ, मैंने कहा नहीं है मेरे पास है। सो A1 और J1 एक ऐसी थी लाइक यू कैन कैरी इट एनी टाइम, इट इज हेल्पफुल, उसके अंदर सारे आपके इमोशंस आ जाते हैं, रीसेंट इमोशंस, क्योंकि इसका वाइट चेस्टनट का है एकोनाइट। सो एकोनाइट वी यूज इट फॉर एनीथिंग जो अचानक से होता है, तो अचानक से तो वही चीज होगी जब आप ट्रेवल कर रहे होगे या सीजन चेंज होगा, आपको अचानक से छींकें आ रही है या आपको अचानक से जुकाम हो जाता है, तो इट इज होम्योपैथी रेमेडी में जैसे एकोनाइट है यहाँ पे वाइट चेस्टनट है। एक क्वेश्चन और है, कैन वी गिव इट टू स्ट्रे डॉग्स हु यूज्ड टू बाइट अ लॉट? हाँ, लेकिन ये सिर्फ ये रेमेडी नहीं आएगी, बाइट अलॉट में सिर्फ ये रेमेडी नहीं आएगी, आपको होम्योपैथी देनी ही पड़ेगी, पता करना ही होगा कि वो क्यों बाइट कर रहा है और इतना गुस्सा उसके अंदर क्यों है या जो भी है, तो उस हिसाब से दूसरी रेमेडीज भी जाएंगी। बट ये सबको अगर कंटिन्यूस बाइट करता रहता है तो व्हाइट चेस्टनट देना जरूरी है। देखिए एक और क्वेश्चन है, अगर किसी को ड्यूरिंग ट्रेवलिंग वॉमिटिंग होती हो तो बार बार, क्या उन पर भी वर्क करेगी? जी मैम हाँ ये बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। अच्छा, नोरिन जी, A1 इश्तियाक जी को आप A1 बाद में बता दीजिएगा मैं ग्रुप बाद में, में ठीक बता है? दूंगी, ये आपको ग्रुप में A1 का फार्मूला हम आपको बता देंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि यूरिन सर्दियों में ज्यादा हो तो व्हाइट चेस्टनट दे सकते हैं? दे सकते हैं, पर उसके लिए दूसरी रेमेडीज और हैं, ये कंटिन्यूस थॉट्स के लिए, यूरिन के लिए नहीं है हेमा जी, ये मतलब ये यूरिन के बंद करने के लिए या उसके लिए नहीं है। मैंने आपको ये चीज क्लियरली बताई थी कि मुझे यूरिन, ये मेरा ड्रॉबैक है बॉडी का, कि मेरा माइंड अगर अनस्टेबल होता है कोई वजह से, कि मुझे ट्रेवल करना होता था मेनोपॉज के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, मुझे ऐसा लगता था मैं चीजें हैंडल नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे डर लगता था ट्रेवल करने में, मेरा कंटिन्यूस माइंड चलता रहता था, तब जाके मेरा जो बॉडी का वीक पॉइंट था यूरिन एंड वॉमिटिंग वो ट्रिगर हो जाता था। तो ये डायरेक्टली आपके फिजिकल कंडीशन पे नहीं करेगा, दिस इज रिपीटेडली सेड 100 टाइम्स, बट ये सबको आपका जो वीकर साइड ऑफ फिजिकल है, जो मेंटल की वजह